हमीरपुर के टौणी देवी के पास कोहलवी में सड़क किनारे पार्क की हुई गाड़ी के स्टार्ट करने पर आग लग गई, जिस कारण पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय अजय कुमार पुत्र शंकर दास निवासी कैरमी अपने रिश्तेदार की मौत पर शोक सभा में बैठने के लिए गया हुआ था और वापस आकर जब गाड़ी नंबर HP 6748 को स्टार्ट करने लगा तो अचानक ही गाड़ी में आग लग गई, जिस पर बड़ी मुश्किल से अजय कुमार ने अपनी जान बचाई। अजय कुमार ने बताया कि गाड़ी में कोई खराबी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे स्टार्ट करते हुए गाड़ी को आग लग गई। उन्होंने बताया कि गाड़ी की RC और इंश्योरेंस के कागजों को बचा पाए हैं। वहीं मौके पर पुलिस ने भी पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं इस तरह की गाड़ी को अचानक आग लगने की घटना से पूरे क्षेत्र में लोगों में चर्चा की जा रही है। वहीं फायर ऑफिसर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कोहलवी में सड़क किनारे पार्क हुई गाड़ी के स्टार्ट करने पर आग लग गई, जिस पर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। फिर भी टीम ने आग पर काबू पा लिया। 28/9/2018 को पौने 2 बजे के लगभग सूचना मिली कि कोहलवी के पास एक इंडिगो कार में आग लगी हुई है, तो तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए और मौके पर पहुंच कर देखा गया कि एक टाटा इंडिगो कार नंबर HP 6748 में कोलमी के पास उसमें आग लगी हुई थी, जो कि अजय कुमार स्वर्गीय सुपुत्र स्वर्गीय श्री शंकर दास गांव कैरमी तहसील बजिला तहसील भोरन जिला मीरपुर का स्थायी निवासी था, जो कि उस कार में अपने मामा के घर कोलमी आ रहा था। तो अचानक उसमें जैसे ही उतराई में उतरा था तो अजय कुमार के अनुसार उसने बताया कि उसमें इंजन में से थोड़ा धुआं निकल रहा है, तो उसने कार को साइड में खड़ा कर दिया और जैसे उसने उसका ढक्कन खोला बोन रखा तो उसमें अचानक आग लग गई। तो स्थिति काफ़ी दूर थी, इस करके थोड़ा 1.5 घंटा हमारे को भी बॉन्ड पहुँचने में लगा। तो आपको पता ही है कि जब पेट्रोल गाड़ी में किसी में आग लग जाती है तो उसको सुमेरा तेज जो था वो बुझाना उचित था। वो तभी संभव था जब अगर उस गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर होता तो वो आसानी से, जैसे ही उसमें स्पार्किंग हुई प्री इन्हें जो प्रारंभिक स्थिति पर जो थी आग थी उसको तुरंत उसको काबू कर सकता था, बजाय इसके कि उसका ज़्यादा लॉस होता। लॉस हो चुकी है क्योंकि उसमें तो सिर्फ इंजन और जो लोहा वगैरह चेसी वगैरह वही मटेरियल बचा, बाकी तो उसमें सारा जल गया था। जो जिस टाइम हम मौके पर पहुंचे तो उस टाइम उसके गाड़ी के टायर वगैरह जब जल चुके थे, इंजन में आग लगी हुई थी, तो इंजन की आग को हमने 2 घंटे चलाई है गाड़ी की, उसके साथ जो था उसको बुझाया भी, लगभग 20 मिनट में उसके बुझा।